और प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को हुए अधिवक्ता उमेश पाल और दो सरकारी गनर हत्याकांड में आरोपी बनाए गए माफिया अधीक अहमद के फाइनेंसर मोहम्मद नफीस उर्फ नफीस बिरयानी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि हार्ट अटैक पड़ने के चलते नफीस बिरयानी को 17 दिसंबर को इलाज के लिए नैनी सेंट्रल जेल से स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान नफीस बिरयानी की देर रात मौत हो गई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के पंचनामा के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि नफीस बिरयानी की हार्ट अटैक आने के बाद नैनी सेंट्रल जेल से मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में उसे भर्ती कराया गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एसपी सिंह के मुताबिक चिकित्सकों की पूरी टीम बेहतर उपचार के लिए लगी थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और देर रात करीब 1 बजे नफीस बिरयानी की मौत हो गई। देखिए, जिस समय उनको दिन में लगभग 11-11:30 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी में, इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था, उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी और उनका उस समय देखा बीपी देखा गया, बीपी ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीमीटर मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट आईसीयू में तुरंत एडमिट कराया गया था इमिडिएटली, और वहां पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय और पूरी टीम आईसीयू में वैसे भी 24 आवर्स वहाँ मॉनिटरिंग होती, 24 आवर्स पूरी टीम रहती है। देखा गया ईसीजी देखा गया, तभी उसको और एंजाइम टेस्ट किए गए और उससे कन्फर्म हुआ कि उनको सीवियर एमआई हुआ था और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी था, कार्डियक फेलियर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी बहुत था, कम था, ऑक्सीजन सेचुरेशन मात्र 70% था। तो उसमें कोशिश किया पूरी तरह से कि ब्लड प्रेशर किसी तरह मेंटेन हो, ऑक्सीजन देने के बाद उनका 80-85% तक पहुँचा था। इसके बाद भी देर रात तक उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगा तो उनको बाईपैक सपोर्ट पर रखा गया इंटेंसिव के यूनिट में, तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं, 24 मॉनिटरिंग कर रहे थे, बेस्ट रेफर किया, लेकिन 1 बजे के आसपास उनको डेथ हो गई।